अध्याय 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस अध्याय का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो हमें अपने चारों तरफ एक विभिन्न प्रकार का पादम जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। अभी इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं और उनमें से कुछ में बहुत ही शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम है, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। देखते हैं, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधों की जो जड़ी मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार भी मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। उसके बाद वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है, फल फूल तो मिलता ही। आगे देखते हैं बच्चों, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है और हमें अधिक पौधे इसके लिए लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा हमें करनी है। उसके बाद लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वन्य प्राणी, यानी कि हम लोगों को झाड़ काटने के लिए बहुत ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ काटना एकदम गलत बात है। यानी वृक्ष कटाई नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी वन्य प्राणी में हम लोग देखते हैं कि वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। आगे देखते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सिंह वाले गेंडे असम के जंगलों में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर है, जैसे कि बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नील गाय है, चीतल है इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम हमें बता सकते हैं? ऐसे हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा है।
तो सचमुच बच्चों, क्या आप हमारे आसपास के क्षेत्र में जो पंछी है उनके बारे में हमें कुछ उनके नाम बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बता सकते हैं, मुझे पता है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं करेत ये प्रमुख है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है और बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। अभी उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क है, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। अभी देखते हैं हम लोग, हमारे ये सब वनचर है, हमारे वन्य पशु है, कितना हमें अभिमान है इन लोगों के लिए कि ये भारत के हमारे वन्य पशु है। बाघ है, हिरन है, तेंदुआ है, गेंडा है, हाथी है। आगे चलते हैं बच्चों, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। किस तरह से? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी है, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा किस तरह से ये सब कुछ झाड़ का कार्य काम का चालू है। दवाइयां भी मिलती है, आश्रय भी मिलता है, चारा भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, खेल का सामान भी मिलता है, फर्नीचर भी मिलता है, उसके बाद रबड़ भी मिलती है, इमारती की लकड़ी मिलती है, उसके बाद कितना सारा फल मिलता है, शहद मिलता है, मिट्टी को बांधे हुए रखती है, इससे ऑक्सीजन भी मिलती है। झाड़ से हमें कितने सारे फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखो। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।